स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अपन संधि पढ़ रहे थे कि अच संधि अर्थात स्वर संधि के संस्कृत भाषा में 8 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये 5 भेद अपन प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंगह पदांतादति। एंगह नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ए वर्ण से शुरू होने के कारण कि यदि पद के अंत में एंग वर्ण संस्कृत भाषा में 2 ही माने गए हैं, ए और ओ आए, तो उसके बाद ऋष्व आए कि ए या ओ स्वरों के बाद में यदि सिर्फ ए आए तो पूर्व एवं पर वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। ऋष्व स्वर हिंदी या संस्कृत भाषा में ऋष्व स्वर 4 ही माने गए हैं, ए, ई, ऊ और री। ये 4 ऋष्व स्वर माने गए हैं। बाकी स्वर हैं उनको दीर्घ स्वर माना गया है क्योंकि इनकी कोई मात्राएं नहीं होती हैं, बल्कि दीर्घ स्वरों की मात्राएं होती हैं। और तथा अकार की स्पष्ट प्रतीति के लिए अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ये संस्कृत भाषा का एक अवग्रह चिन्ह है। इसका प्रयोग सिर्फ संस्कृत भाषा में ही किया जाता है कि ए प्लस ए कि ए के बाद में एक ही मात्रा ही आएगी क्योंकि स्वरों की हमेशा व्यंजनों के मात्राएं ही लगती हैं, और उसके बाद में ए आए तो वो ए में बदल जाता है अर्थात एक ही मात्रा लगेगी। ओ के बाद में यदि ए आए तो वो ओ में बदल जाएगा। जैसे कि देखिए, अंते प्लस अपि, अंते के अंत से एक ही ध्वनि निकल रही है, अपि में पहला वर्ण ए है, ए और ए के मेल से ए वर्ण का निर्माण होगा तो यह शब्द बनेगा अंते, और इस ए वर्ण का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा अंतेपि। यह शब्द बना अंतेपि। ते प्लस अत्र, ते के अंत से एक ही ध्वनि निकल रही है, अत्र में पहला वर्ण ए है तो इनके मेल से ए का निर्माण होगा और इस ए का भी अवग्रह चिन्ह बन जाएगा तो यह शब्द बनेगा तेत्र। हरे प्लस अव, हरे के अंत से भी एक ही ध्वनि निकल रही है और अव में पहला वर्ण अ है तो इनके मेल से भी ए का निर्माण होगा और इस ए का भी अवग्रह बन जाएगा तो यह शब्द बनेगा हरेव। विष्णो प्लस अत्र, विष्णो के अंत से ओ की ध्वनि निकल रही है और अत्र में पहला वर्ण अ है तो ओ और ए के मेल से ओ का निर्माण होगा और इस ए का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा तो यह शब्द बनेगा विष्णोत्र। सो प्लस अवदत, सो के अंत से ओ की ध्वनि निकल रही है, अवदत में पहला वर्ण ए है तो इन दोनों के मेल से भी ओ का निर्माण होगा और इस ए का भी अवग्रह चिन्ह बन जाएगा तो यह शब्द बनेगा सोवदत। को प्लस अपि, को के अंत से ओ की ध्वनि निकल रही है और अपि में पहला वर्ण ए है तो ओ और ए के मेल से ओ का निर्माण होगा और इस ए का भी अवग्रह चिन्ह बन जाएगा तो यह शब्द बनेगा को अपि। इसके बाद देखिए पर रूप संधि। पर रूप संधि का भी एक सूत्र है एंगी पर रूपम। इसको एंगी नाम इस कारण दिया गया है
क्योंकि ए वर्ण से शुरू होने के कारण एंग वर्ण संस्कृत भाषा में दो ही माने गए हैं, ए और ओ, कि एंग वर्ण ए या ओ स्वर प्रारंभ में हो, कि पहले आए ये स्वर, और ऐसी धातु आए जो दोनों स्वरों के स्थान पर रूप एकादेश अर्थात ए और ओ हो जाता है। तो यथा, जैसे कि देखिए, ए प्लस ए, यदि ए के बाद में ए की ध्वनि निकलेगी, यहाँ पर ए नहीं लिखा जाएगा, और ए है वो स्वर ही लिखा जाएगा, कि ए के बाद में यदि ए लिखा जा रहा है तो वो ए में बदल जाएगा। ए प्लस ओ, कि ए के बाद में यदि ओ है तो ओ स्वर का निर्माण होगा। ए और ओ स्वरों को एंग स्वर माना गया है, इसी कारण इसका सूत्र एंगी पर रूपम होता है। जैसे कि देखिए, प्र प्लस एजते, प्र के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है, एजते में पहला वर्ण ए है, तो इन दोनों के मेल से एक का ही निर्माण होगा, तो ये एक ही मात्रा है वो इस वर्ण पर लगेगी, प्रे प्रेजते। तो यह शब्द बन गया प्रेजते, एक ही मात्रा लग गई इस पर। उपे प्लस ओस्ती, उप के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है और ओस्ती में पहला वर्ण ओ है, तो इसके बाद भी ओ का ही निर्माण होगा। तो देखिए, उपे, अब पे की इसकी मात्रा लगेगी ओ की, तो यह शब्द बनेगा उपोस्ती। इनमें कोई ज्यादा फेर बदल नहीं है, बल्कि पूर्व रूप संधि में तो अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है और इसमें सिर्फ ये मात्रा चेंज हो रही है, ये दोनों संधियां एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। आगे देखिए, प्रकृति भाव संधि की संस्कृत भाषा में आठवां संधि का भेद प्रकृति भाव संधि है, तो यहाँ आदेश का अभाव होता है, इसमें वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, इसी कारण सिर्फ इसको भेदों की दृष्टि से तो माना गया है, बल्कि शब्दों में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो आज अपना अच संधि है वो कंप्लीट हुआ। आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़कर समझना, यदि आपके फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपको फिर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग इसको समझने की अवश्य कोशिश करना। थैंक्स, आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।